ये अचानक सड़क कहाँ गायब हो गई? शायद सड़क भाग गई मंजिल के साथ। भाई अपनी अपनी खुशी, जो जिसके संग भागना चाहे भागे। सही कहा। ये कच्ची सड़क नई मुसीबत बन गई है हम सबके लिए। मेरे लिए तो ये पुरानी मुसीबत है, कब से धक्के खा रहा हूँ मंजिल पाने के लिए। देख पीटर, समझा रहा हूँ, अपनी जुबान को तहजीब के कपड़े पहना वरना। वरना क्या? शिट। अरे वो ड्राइवर साहब, ये गड्ढे जरा संभाल कर कूदाइएगा, और हाँ पीछे पलट कर ये मत पूछेगा क्यों। जैद, गड्ढे जरा बचा कर कूदाइएगा, ये भी तो कह सकते थे ना। सुनिए ड्राइवर साहब, इस नाजुक फूल से रास्ते का नाम तो बताइए। बाबू ये सारे रास्ते जो हैं भूल भलैया जैसे ही हैं, पर फिक्र ना करो, पहुंच जाएंगे सही समय पर। रिया तुमने कुछ देखा? हाँ विजय, हम अभी अभी इसी रास्ते पर तो थे। मैं भी यही देख रहा हूँ। और वापस हम फिर उसी रास्ते पर आ गए। ड्राइवर साहब ये सब क्या है, बस इतनी देर से चल रही है, हम वहीं के वहीं हैं। सभी रास्ते यहाँ के एक जैसे हैं बाबू, पर असली रास्ता मिल जाएगा। लेकिन बस को किसी अनजान रास्ते पर ले जाने से क्या फायदा? दरअसल शॉर्टकट रास्ते का मैंने कहा था, मगर ये तो भूल भुले ये रास्ते पे हम आ गए। लेकिन आकाश, इस रास्ते से हम कब तक पहुँचेंगे? अरे उस्ताद, ये डार्लिंग क्यों क्या हो गया, बार बार मुझे देखते और गाड़ी भी खराब हो गई। बाबा लगता है डाल में कुछ काला है। समझ में आ रहा है कि टायर की वजह से इंजन थोड़ा गर्म हो रहा है, ठीक करना पड़ेगा इसे। मैं भी देख कर आता हूँ।